मित्रों, नेक्स्ट हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष बोलते हैं पेड़, से पेड़ में स्थिरता होती है, वास्ते ही हमारे पैर में स्ट्रेंथ देने के लिए और कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। इसलिए मंजे मिलाइएगा, अपने बाया पैर को उठाकर दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, इस प्रकार से वेरी नाइस। अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करें, धीरे धीरे बैलेंस बन जाए तो अपने हाथों को बगल से धीरे धीरे उठाइएगा। रोल योर शोल्डर, हाथों नमस्कार मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में इस प्रकार से तान दें। अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करें ताकि आपका बैलेंस बना रहे। जो माताएं, पिताएं और भाई बहन इसको मेंटेन नहीं कर सकते, वे एक पैर उठाकर ऐसे इतना सा करके उसको बैलेंस करें। सबसे महत्वपूर्ण है बैलेंस बनाना। जिनसे नहीं होता वृक्षासन, वे लोग एक पैर उठाकर इस तरह से खड़े होने का कोशिश करेंगे या आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। इसके आधे दिनों में इसको डिटेल में जानने के लिए आप हाउ टू डू वृक्षासन को आप देख सकते हैं। नाउ विश्राम, जैसे आप इस आसन में गए थे वैसे ही इस आसन से धीरे धीरे वापस आए। आंखें बंद करें, थोड़ा सा विश्राम करें। विल अ डिफरेंस इन आवर राइट लेग और लेफ्ट लेग, और हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हुआ उसे भी देखना। जब हम पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, तो प्यारे मित्र हमने अभी एक पैर से किया था, हम दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे। उसके लिए वैसे जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था, आपसे नहीं होता तो आप एक पैर पर बैलेंस करने का कोशिश करें। क्या करें? एक पैर पर बैलेंस करने का कोशिश। विश्राम के बाद हम दूसरे पैर से करेंगे। जैसा कि आपको बताया, अगर आपका बैलेंस नहीं बनता तो दीवार के सारे एक पैर के सारे से हम इसको कर सकते हैं। उसके लिए हम एडी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे, इस प्रकार से धीरे से, बहुत ही अच्छा। अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करें, धीरे धीरे अपने हाथों को बगल से उठाएं, रोल करें, अपने हाथों को धीरे धीरे सिर के ऊपर उठाइएगा, बहुत ही अच्छा। दृष्टि 45 डिग्री एंगल पर, बैक को स्ट्रेट करेंगे, हाथों को नमस्कार मुद्रा। इस प्रकार से इसको आप मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें जरूरी है जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड 45 डिग्री एंगल, आपसे नहीं होता तो आप एक एक पैर से करें, कम से कम एक मिनट रुकने के बाद, है ना। हम धीरे से जैसे हम आसन में गए थे वैसे ही हम धीरे से आसन से भी हम लोग जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे आसन से वापस आएंगे। विश्राम, सभी लोग विश्राम करेंगे, इस प्रकार से पैर को नीचे रखना, पैरों में समस्थिति, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। मुस्कुराहट बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने कहा हंसी के बिना जीवन नहीं, तो जो करना है हंसते हुए मुस्कुराते हुए करना है। वृक्षासन के बाद हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद का मतलब होता है हमारा पैर, हस्ता मतलब अपने हाथों को पैर के पास लेके जाना। जो प्यारे मित्र, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी हम आसन कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार करना है, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। दोनों हाथों को बगल से उठाएंगे धीरे धीरे, इस प्रकार से देख लीजिए मुझे। रोल योर शोल्डर, जैसा हमने ताड़ासन में किया था, देन धीरे धीरे अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाइएगा, पूरा ऊपर तान दें, और ऊपर तानने के बाद धीरे धीरे बेंड इन फ्रंट फ्रॉम योर बटक्स, अपने बटक से धीरे धीरे आगे ऊपर झुकेंगे। आप मुझे देख लीजिएगा, एकदम धीरे धीरे बेंड ऑन योर ऑन कैपेसिटी, बहुत ही अच्छा। हाथों को आगे छोड़ दें जितना आप जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आगे बेंड होना। हर बार श्वास को छोड़ते जाना और ज्यादा से ज्यादा आगे झुकना। मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल चिंता मत करें कि मैं इतना झुक नहीं सकता, नहीं बोलना है,
तो उतना ज्यादा नहीं झुक सकते आप, जितना झुक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार झुकना है। बैकबोन एकदम स्ट्रेट, आप देख सकते हैं मेरा बैक एकदम सीधा है, दृष्टि सामने की तरफ, आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास, हर बार श्वास निकालने के साथ शरीर को और आगे छोड़ देना, बाद हंसता थोड़ा सा। यह आसन बहुत फायदेमंद है हमारे पिंडलियों के लिए, हमारे घुटनों के लिए, और फायदेमंद है हमारे थाइज के लिए। इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर स्पाइन, मेरुदंड में लचीलापन लाने के लिए आसन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा और झुकें और यह आसन अच्छा है हमारे मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ाने के लिए, ताकि हम तरोताजा रहें, ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़े। और थोड़ा सा, सो प्यारे मित्रों, झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, लेकिन कंपटीशन नहीं करेंगे। जो अच्छा कर सकते हैं भाई, अपने फॉरहेड को सीन बोन पर लगाने का प्रयास करेंगे, और जिनके कमर में ज़्यादा दर्द है वे लोग अपने कमर को सीधा रख इतना ही झुकेंगे जितना मैं झुक रहा हूँ। थोड़ा सा और बैंड हो जाइएगा, और बैंड हो जाइएगा, विश्राम धीरे धीरे, जैसे आप आसन में गए थे वैसे धीरे धीरे आसन से वापस आए, आसन से वापस आए, हाथों को और ऊपर उठाएं, विश्राम धीरे धीरे, हाथों को नीचे ले लीजिएगा, कंप्लीट रिलैक्स, आप आज रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास, लंबा गहरा श्वास, द डिफरेंस बिफोर एंड नाउ। विश्राम के बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध का मतलब था आधा, चक्रासन, चक्र मतलब व्हील, पहिया, तो आधे पहिए की भांति करेंगे। यह बहुत फायदेमंद है हमारे श्वसन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारे स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। तो प्यारे मित्रों, इसके लिए हम दोनों हाथों को बटक्स के ऊपर रखेंगे, इस प्रकार से अपने हाथों को बटक्स के ऊपर रखें, छाती को फुला दीजिएगा पूरा, लिफ्ट अप आवर चेस्ट, पैरों में एक से डेढ़ फुट का फासला, फिर धीरे धीरे गर्दन पीछे की ओर ले जाना, लिफ्ट अप आवर चेस्ट, छाती को फुला दें, इस प्रकार से और छाती फुला दें। आपको अगर ऐसा करने में दिक्कत हो तो आप लोग अपने हाथों को कमर के ऊपर भी रख सकते हैं, कमर के ऊपर, और छाती को पूरा फुला देना, छाती को पूरा फुला देना। आप देख सकते हैं मुझे गर्दन पीछे की तरफ, जैसा कि आपको कंफर्ट हो। कम से कम एक मिनट तक अर्ध चक्रासन में रुकने का प्रयास करना है, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग। छाती को और फुला दीजिएगा, हमारे कंधों के लिए, हमारे मेरुदंड में लचीलापन लाने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा आसन। और फुला दें, और फुला दें छाती को, रिलैक्स धीरे धीरे, जैसे हम आसन में गए थे वैसे ही आसन से वापस आए, आंखें बंद करें और लंबे गहरे श्वास, लंबे गहरे श्वास। विश्राम के बाद हम करेंगे उत्तीत त्रिकोणासन। कौन सा आसन? उत्तीत त्रिकोणासन। उत्तीत त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों में 3-3.5 फुट का फासला, दोनों पैरों में 3-3.5 फुट का फासला, राइट लेग 90 डिग्री, लेफ्ट 60 डिग्री इनसाइड। अपने हाथों को कमर पर रख दें, बड़क्स को सीधा करें, अपने हाथों को धीरे धीरे बगल से उठाएं, बहुत ही अच्छा। छाती को और फुला दें, दाहिना हाथ धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाइएगा, उसे पूरा ऊपर उतारें और ऊपर उतारें, देन बेंड टुवर्ड द राइट साइड, धीरे से दाहिनी तरफ बेंड होना है। दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पीछे रख दें, छाती आपकी फुली हुई, डोंट बेंड इन फ्रंट एंड डोंट बेंड इन बैक, ना आगे झुका हुआ ना पीछे झुका हुआ। अपने दाहिने हाथ को जमीन की तरफ और बायां हाथ
छत की तरफ तान दें, दृष्टि बाएं हाथ की हथेली पर, हाथ गौर ऊपर ताने, टेक अ नॉर्मल ब्रीदिंग, दोनों पैरों को एकदम सीधा रखिएगा, हाथ और ऊपर ताने, थोड़ा सा और। नाउ विश्राम, जैसे हम आसन में गए थे उसी प्रकार आसन से वापस आएंगे, एकदम रिलैक्स, वेरी नाइस। उत्तरी त्रिकोणासन, उत्तरी का मतलब खड़े होकर उठा हुआ, त्रिकोणासन और ट्रायंगल, यहाँ आसन उठे हुए ट्रायंगल त्रिभुज की तरह है। यहाँ आसन बहुत ही फायदेमंद है हमारे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, चाहे घुटनों का दर्द हो, एड़ियों का दर्द हो, बिल्लियों का दर्द हो, इवन कमर और गर्दन के दर्द के लिए भी बहुत ही फायदेमंद। तो प्यारे मित्रों, हम दूसरी तरफ से करें, जब इतना सारा फायदा है ना, बोलते हैं क्यों करें, क्या फायदा है, जब इतने सारे फायदे हैं तो कैन बी स्टार्ट अवर अदर साइड, दूसरी तरफ। वापस दोनों पैरों को खोल दीजिएगा, 3-3.5 फुट का फासला, लेफ्ट लेग 90 डिग्री एंगल, राइट 60 डिग्री एंगल इनसाइड। अपने हाथों को कंधों के बराबर लें, अच्छी तरह से तान दें और तान दें, हाथ पर तान दीजिएगा और ऊपर तान दें। नाउ बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ धीरे धीरे झुक जाइए, यस। दृष्टि दाहिने हाथ की हथेली पर, वेरी नाइस। जो लोग पूरा नहीं झुक सकते वे लोग थोड़ा सा कम झुक लेंगे, कोई बात नहीं। अगर हमारा हाथ जमीन पर नहीं आता तब हमारा हाथ सिन बोन पर रख सकते हैं, घुटनों पर रख सकते हैं, और थोड़ा सा दोनों हाथ एक सिन में। अगर हमारे गर्दन में दर्द है तो दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ, अदरवाइज ऊपर की तरफ, हाथ को थोड़ा सा और दाल दें ऊपर। जैसा कि बताया, पैरों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन विश्राम, जैसे हम आसन में गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे आसन से वापस आए, कंप्लीट रिलैक्स, कम बैक इन समस्थिति। जब भी हम खड़े होकर आसन करते हैं तो हम समस्थिति में विश्राम करते हैं। समस्थिति बहुत ही इफेक्टिव, फायदेमंद आसन है। सम का मतलब होता है समान वजन हमारे एड़ियों में, पंजों में, आउटर इनर अर्च में। त्रिकोणासन के बाद प्यारे मित्रों हम करेंगे दंडासन। दंडासन बहुत ही अच्छा आसन है बैठने के लिए, बैठकर रिलैक्स करने वाला आसन। तो आ जाइएगा दंडासन में, दंडासन आप सभी को मालूम है, दोनों पैरों में 1-1.5 फुट का फासला। आप दंडासन में जाके देख सकते हैं दंडासन को, दोनों पैरों में 1-1.5 फुट का फासला, पैरों के पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, रोल योर शोल्डर, छाती फुला हुआ एकदम इस प्रकार से, आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास। कितने भी थके हुए हों आप, अगर 2-3 मिनट इस आसन को हम करते हैं एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ हमेशा छाती फुला के रखना, रिलैक्स इन दंडासना। दंडासन के बाद हम करेंगे बद्धकोणासन। कौन सा आसन? बद्धकोणासन। यह हम बहुत ही फायदेमंद है हमारे पाचन तंत्र के लिए और हमारे पैर के लिए। तो बद्धकोणासन के लिए दोनों घुटनों को एड़ियों को मिला दें, तलवा और पंजे को मिला दें, और एड़ियों को अपने पेल्विक रीजन के पास लेके आना। कहाँ पर? पेल्विक रीजन के पास। और हमारी इंटरलॉक योर फिंगर्स, उसका अच्छी तरह से ग्रिप्स बना लीजिएगा। देन बैकबोन स्ट्रेट। क्लोज योर आईज एंड कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रिलाइजेशन। हमारी घुटनों को धीरे धीरे जमीन की तरफ जाने दीजिएगा, हमारे घुटनों को धीरे धीरे जमीन की तरफ जाने दें।
बैकबोन एकदम स्ट्रेट रख रहे, कमर पीठ गर्दन सीधा, फिर हमारे घुटने जमीन पे नहीं जाते, कोई बात नहीं, अपने आप चले जाएंगे। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत हो, आप इस प्रकार का पाटा काम में ले सकते हो, जैसा मैंने बताया था, आप कुछ भी बटक्स के नीचे रख सकते हैं ताकि आप इजीली बैठ सकें। अपने शरीर का अवलोकन, यह आसन बहुत ही फायदेमंद है पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं के लिए, गैस्ट्रिक एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन इनडाइजेशन इवन यूरिक एसिड जैसी समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा है। यह आसन फायदेमंद है गर्भवती माताओं और बहनों के लिए। आंखें बंद, ऑब्जर्वेशन, एकदम रिलैक्स। नाउ आफ्टर रिलैक्सेशन कम बैक इन दंडासन, वापस दंडासन में आ जाइएगा। कम बैक इन दंडासन, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स। दंडासन के बाद प्यारे मित्रों आ जाइएगा वज्रासन में। यह आसन बहुत ही फायदेमंद है वज्रासन। दाहिना पैर को मोड़ेंगे और दाहिने बटक्स के नीचे रख दें, बायां पैर मोड़ दें, बायां बटक्स के नीचे रख दें। और सबसे आसान है जब भी आप इसे करें, आप देख सकते हैं जो हमारा पिंडली का मसल्स है, अगर उसको आप बाहर की तरफ निकाल देंगे इस प्रकार से, तो आपको बैठने में बहुत ही आसानी रहेगी। इस मसल्स को निकाल देंगे तो वज्रासन। लेकिन जिनके भी घुटनों में दर्द है वे वज्रासन में नहीं बैठे, वे सुखासन में ही बैठे। जिनके भी घुटनों में दर्द है वे सुखासन में बैठे या पद्मनासन में। प्यारे मित्रों, यहाँ आसन बहुत ही फायदेमंद है हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए। जैसे कहा गया वज्रासन को किताबों टेक्स्ट की शास्त्रों के अनुसार एकमात्र ऐसा आसन जिसे हम कर सकते हैं खाने के बाद, वह है वज्रासन। तो आप सभी से कहूँगा कि आप भी खाने के बाद थोड़ा सा समय निकालें, 5-10 मिनट इस आसन में बैठें, ताकि हमारा पाचन तंत्र क्या हो, मजबूत हो। क्या हो, मजबूत। और कौन नहीं चाहता कि हमारा पाचन तंत्र मजबूत नहीं हो। वज्रासन में बैठने के बाद हम वज्रासन में बैठे हुए कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन, कौन सा आसन, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बोलते हैं ऊंट के कुबड़ को। आपने देखा होगा जो ऊंट है, ऊंट का जो कुबड़ होता है, हम्प ऑफ द कैमल, उसको हम करेंगे, इसलिए उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हम दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। मैं साइड से करके दिखाता हूँ ताकि आपको करने में दिक्कत आसानी हो। इस प्रकार से दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला पैरेलल टू शोल्डर। तो मैं आपको पहले सहज उष्ट्रासन करके दिखाऊंगा, सहज सभी लोग कर सकते हैं, उसके बाद तो है डिफिकल्ट बन जाएंगे। सहज के लिए हमने दाहिना हाथ उठाया और दाहिनी बटक्स के ऊपर रख दिया, बाया उठाया बाया बटक्स के ऊपर रख दिया, अपनी छाती को इस प्रकार से फुला दिया और गर्दन पीछे की तरफ, छाती को और फुला देंगे, छाती को और फुला देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास पर श्वासन, सामान्य श्वास पर श्वासन। छाती को और फुला दीजिएगा। अगर आप इस आसन को नहीं कर सकते या आपके घुटनों में दर्द है तो सिंपली आप सुखासन में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। जो माताएं या जिनके घुटनों में दर्द है वो सुखासन में बैठ के इसको इस प्रकार से किया जा सकता है। आप मुझे देख लीजिएगा, इस प्रकार से सुखासन में कर सकते हैं। बाकी सब वज्रासन में ही घुटनों के बल ही करें, बहुत अच्छा। थोड़ा सा और फुलाइएगा छाती। लोग कहते हैं गर्व से छाती फुलाना चाहिए, सुधीर बेटा कहते हैं बिना गर्व के फुलाना है। नाउ विश्राम, धीरे धीरे कम बैक इन वज्रासन, बैठ जाइएगा। आंखें बंद, ऑब्जर्वेशन, आंखें बंद, ऑब्जर्वेशन। उष्ट्रासन बहुत फायदेमंद है हमारे लंग्स को मजबूत करने के लिए, हमारे हार्ट के लिए, इवन हमारे कंधों को पुष्ट और मजबूत बनाने के लिए और हमारे मृदंग को लचीला बनाने के लिए। तो प्यारे मित्रों, हम थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं। चलो नहीं कर सकते जैसे हमने पहले किया था सुखासन में या हाथों को बटक्स के ऊपर रखकर, वे लोग वैसे करेंगे, और जो इसको कर सकते हैं थोड़ा सा एडवांस, वो हमारे साथ करेंगे। वापस खड़े होइएगा घुटनों के बल,
हमारे पैरों को आप फ्लैट रखें या पंजा खड़ा करके रखें, वो आप देख लीजिएगा जिससे आपको ज्यादा सुविधा हो। समझ रहे हैं ना? यू ऑल आर इंटेलिजेंट। यस, दाहिना हाथ उठाएंगे धीरे से और दाहिने हाथ दाहिने पैर के तलवे पर आप रख दीजिएगा इस प्रकार से। अपने बाएं हाथ को धीरे से उठाएं, बाएं हाथ को बाएं पैर के तलवे पर रखें। अब छाती को पूरा फुला दें, एक्सपांड आवर चेस्ट लाइक हनुमान जी। गर्दन को पीछे की तरफ लुटका दें, गर्दन की मांसपेशियां एकदम रिलैक्स। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बटक्स टू योर हील एंड हील टू बटक्स। अपने एड़ियों और नितंबों में ज्यादा से ज्यादा फासला। टेक अ नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास भरना, छाती को और फुलाना थोड़ा सा, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। डू ऑन योर ऑन कैपेसिटी। इस आसन को कम से कम 45 सेकंड से एक मिनट तक होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस साथ और फुलाइएगा। विश्राम, जैसे हम आसन में गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे आसन से वापस आए। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। आपके बल वज्रासन में लंबे गहरे श्वास, वज्रासन में लंबे गहरे श्वास। फिर डिफरेंस बिफोर एंड नाउ, करने से पहले और करने के बाद क्या तब्दीलियां हुई उसे महसूस करना। सो प्यारे मित्रों, मैंने कहा अपनी क्षमता के अनुसार करना, डोंट क्रॉस योर बॉर्डर लाइन। जैसा मैंने आपको बताया, घुटना दर्द है तो आप सुखासन में कर सकते हैं, कमर में ज्यादा दर्द है या आप नहीं कर पाते तो हाथों को बतख के ऊपर रख के कर सकते हैं, और बाकी जो स्वस्थ हैं वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। सिर्फ दिखाने के लिए एक आसन को मैं और दिखा रहा हूं, दिखाने के लिए एक आसन को मैं और दिखा रहा हूं। आप देखिएगा, करना नहीं है सिर्फ देखना है। ये मोर एडवांस पोज उत्साहन, करना नहीं सिर्फ देखना है। है ना मुश्किल? तो मैंने इसलिए कहा ऐसा करना नहीं है, देखने के लिए हम यहां तक कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि वी कैन डू स्लोली स्लोली। सने सने आसनम, जब धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो आप वहां तक भी जा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट हम करेंगे शशांक आसन। शशांक बोलते हैं खरगोश को। हमारे शरीर की आकृति खरगोश की भांति हो जाती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं शशांक आसन। उसके लिए वापस से हम वज्रासन में बैठे हुए हैं, ठीक है? Yes, very nice. दोनों हाथों को बगल से धीरे धीरे उठाना, स्लोली स्लोली। रोल योर शोल्डर, अपने हाथों को रोल करें, देन धीरे धीरे अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाइएगा, पूरा ऊपर तान दें, और थोड़ा सा और ऊपर तान दें, और ऊपर ताने, देन बेंड इन फ्रंट, धीरे धीरे आगे बेंड हो जाना। यस, ट्राई टू स्ट्रेट आवर बैक, बहुत ही अच्छा। हाथों को आगे तानना, धीरे धीरे अपने फॉरहेड को जमीन पर लगाने का प्रयास करना। जमीन पर नहीं लगता कोई बात नहीं, बैकबोन ऑलवेज स्ट्रेट, बट बैकबोन ऑलवेज स्ट्रेट। आप देख सकते हैं मुझे, यू कैन लिसन मी केयरफुली एंड लुक एट मी ऑल्सो। बैक को हमेशा सीधा रखना। Don't lift up your buttocks. कोशिश करिएगा अपने buttocks नहीं उठें, हाथों को थोड़ा सा और आगे ताने, दृष्टि सामने की तरफ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और हाथ आगे तानिएगा, थोड़ा सा और, very good. लंबे गहरे श्वास,
हर बार श्वास निकालने के साथ हाथ में आगे तान के चले जाइएगा। बैक बोन एकदम स्ट्रेट, आप देख सकते हैं मुझे, आपका फॉरहेड जमीन पर नहीं लगता, कोई बात नहीं। हाथों को सामने रखें, दृष्टि सामने की तरफ, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग ये हमारी पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। इट्स बेनिफिशियल फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर स्पाइन। और यहाँ आसन बहुत अच्छा है मन को शांत रखने के लिए, हेडेक और माइग्रेन के लिए। श्वास निकालते जाना और शरीर को आगे तानते चले जाना, और थोड़ा सा आगे विश्राम, कम बैक। जैसे हम आसन में गए थे उसी प्रकार हम आसन से धीरे धीरे वापस आएंगे, आंखें बंद, ऑब्जर्वेशन। सो प्यारे मित्रों, जो लोग इस आसन या जिनके घुटनों में दर्द है, वे लोग इस आसन को सुखासन में आलती पालती मारकर भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने उष्ट्रासन में बोला था कि उष्ट्रासन सुखासन में भी किया जाता है, उसी तरह आप जिनसे नहीं होता वो आलती पालती मार के भी इस आसन को करके उसका कुछ फायदा लिया जा सकता है, उसका फायदा लिया जा सकता है। शशंक आसन के बाद हम करेंगे उत्तान मंडुकासन। उत्तान मतलब होता है ऊपर की तरफ किया हुआ, मंडू का मतलब होता है मेंढक, ऊपर की तरफ किया हुआ मेंढक की जैसे आकृति। उसके लिए प्यारे मित्रों अपने घुटनों को सामने से फैला दें जितना आप फैला सकते हैं। ओपन योर नीज मैक्सिमम ऑन आवर ऑन कैपेसिटी, ऑन आवर ऑन कैपेसिटी। यू कैन लुक एट मी। बैकबोन एकदम सीधा, लिफ्ट अप योर चेस्ट, साथी फुला हुआ। धीरे से अपने दाहिने हाथ को उठाइएगा और दाहिने हाथ की हथेली को रख दीजिएगा बाएं शोल्डर ब्लेड पर। कीप ऑन योर शोल्डर ब्लेड। फिर बाएं हाथ को उठाइएगा, धीरे धीरे रख दीजिएगा बाएं राइट शोल्डर ब्लेड पर। लिफ्ट अप अवर चेस्ट, यू कैन लुक एट मी। छाती फुला दें, कंधों के लिए अच्छा है, लंग्स और हार्ट के लिए अच्छा है। हाथों को पूरा ऊपर तान कर आंखें बंद, ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव। हाथों को थोड़ा सा और ऊपर ले लें, वेरी गुड, थोड़ा सा और ऊपर, बहुत ही अच्छा। टू ऑन योर ऑन कैपेसिटी, छाती और फुल दीजिएगा ऊपर, विश्राम। पहले अपने बाएं हाथ को धीरे धीरे ले आए बाएं जंघा के ऊपर, फिर दाहिने हाथ को ले आए दाहिनी जंघा के ऊपर। आंखें बंद, देन ऑब्जर्वेशन। टेक अ डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे श्वास। तो प्यारे मित्रों अभी हमने पहले दाहिना हाथ उठाया था, अब हम बाया हाथ पहले रखेंगे। अभी हमने फ्रंट व्यू देखा था, अब पीछे की तरफ। तो हम दूसरे हाथ से करेंगे। तो एजिटेट बैठे रहना है आपको, कुछ भी नहीं करना, बैकबोन हमेशा सीधा। अब धीरे से उठाइएगा बाया हाथ पहले, धीरे धीरे बाया हाथ उठाएं, बाया हाथ को अपने दाहिने कंधे के ऊपर रखें, शोल्डर ब्लेड पर आप देख सकते हैं। फिर बाएं हाथ को राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पर, लिफ्ट अप अवर चेस्ट, हमारा गर्दन एकदम सीधा, दृष्टि सामने की तरफ। उत्तान मंडुकासन, उत्तान मंडुकासन यहाँ बहुत फायदेमंद है हमारी कंधों के लिए, हमारी छाती के लिए और हमारे स्पाइन के लिए। और ऊपर तान दें, बहुत ही अच्छा। विश्राम, धीरे धीरे दाहिने हाथ उठाइएगा, दाहिने पैर की घुटनों की घुटने या जंघे पर रख दें, बायां उठाएं, बायां घुटना और जंघा पर रखें। एंड विश्राम, आराम करिएगा वज्रासन में, आराम करेंगे वज्रासन एकदम रिलैक्स। वज्रासन के बाद प्यारे मित्रों आ जाएगा दंडासन। कौन सा आसन? दंडासन में हम करेंगे वक्रासन। कौन सा आसन? वक्रासन। यहाँ बहुत ही फायदेमंद है हमारे स्पाइन के लिए। ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज के लिए इसे रामबाण बोला जाता है, किडनियों के लिए, डायबिटीज के लिए, मतलब पैनक्रियाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सो उसके लिए हम एड़ी पंजे मिलाइएगा, अपने पंजों को अपनी तरफ तान दें,
दाहिना पैर मोड़कर दाहिने पैर की तलवे को अपने घुटनों के पास रखेंगे। ट्विस्ट आवर बॉडी टुवर्ड द राइट साइड, अपने शरीर को दाहिनी तरफ ट्विस्ट कर दें। दाहिना हाथ दाहिने कंधे के बराबर, अपने बाएं हाथ को उठाइएगा, क्रॉस करिएगा, देन ट्विस्ट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मरोड़ देंगे इस प्रकार से। जो अपने पैरों को नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, वे कोहनी से धक्का मारें, लिफ्ट अप योर चेस्ट, छाती को फुला दें। ट्विस्ट करते हुए ध्यान रखिएगा दोनों कंधे एक सीध में रहेंगे, और ट्विस्ट करते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि जो हमारा बटक से वहां पर समान वजन रहेगा, ठीक है। अगर आप अपने जंघा को क्रॉस नहीं कर सकते तो अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ लीजिएगा, थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दीजिएगा, दृष्टि पीछे की तरफ। हमारा तात्पर्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा मरोड़ दें। विश्राम धीरे धीरे, जैसे हम आसन में गए थे वैसे ही धीरे धीरे आसन से वापस आए, आंखें बंद करें और एकदम रिलैक्स करें, क्योंकि एक आसन का तनाव दूसरे में नहीं आना चाहिए। सूत्र बेटा, यह प्रत्येक आसन के बाद आराम करते हैं। जो साधक वक्रासन नहीं कर सकते, मैं बहुत सिंपल ही बोलता हूँ, बिल्कुल सुखासन में मुझे आलती पालती मारकर भी अपने शरीर को मरोड़ सकते हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो कंपटीशन नहीं करना, आपको लगता है कि मैं वक्रासन नहीं कर सकता, आप सुखासन में अपने शरीर को आराम से मरोड़ सकते हैं, तो आपको उतना ही फायदा मिलने वाला है। गिल्लू काट मित्रों, कैन बी डू अदर साइड, दूसरी तरफ करें, करना ही चाहिए, हिसाब किताब बराबर करना बहुत जरूरी है। वापस पंजों को खींचे, अपने बायां पैर को मोड़कर दाहिने घुटनों के पास रख दें सेंटर में, आप देख लीजिएगा हमें। देन ट्विस्ट आवर बॉडी टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, पैर का पंजा खींचा हुआ, पूरा मरोड़ने के बाद अपना दाहिना हाथ उठाइएगा, उसे क्रॉस करें, श्वास निकालते जाएं और अपने शरीर को मरोड़ते जाएं। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको क्रॉस नहीं होता ढंग से तो आप अपने घुटने को पकड़ लें और अपने कमर को ज्यादा से ज्यादा मरोड़ने का कोशिश कर लें। थोड़ा सा और मरोड़ दें, पीछे की तरफ देखिएगा, श्वास को निकालते जाना और मरोड़ते चले जाना, श्वास को निकालते जाना और मरोड़ते चले जाना, थोड़ा सा और विश्राम धीरे धीरे, जैसे हम आसन में गए थे वैसे ही धीरे धीरे आसन से वापस आए। आंखें बंद करें, लंबे गहरे श्वास, यह आसन प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं करना चाहिए, साइकिल के दौरान नहीं करना चाहिए, जिनको हर्निया है उनको भी यह आसन नहीं करना चाहिए।